हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुमेगिल, फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड्स, आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज के वीडियो का मेरा टॉपिक क्या है, और जनरल अवेयरनेस के पॉइंट को देखते हुए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और आप में से जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ड्राइव करते वक्त हेलमेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो कि आपको हेड इंजुरी एक्सीडेंट से बचाता है, आपकी रक्षा करता है, और एक तरीके से ये आपके लिए वरदान भी है। इसलिए हमेशा जब भी आप ड्राइव करें, हेलमेट का यूज जरूर करें। बट उसके साथ ही साथ आपको कुछ बातों का भी पता होना चाहिए, कुछ जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आजकल आप देखें कि बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो कि आपके लॉन्ग टाइम मोबाइल के यूज़ करने से और ओवर एक्जर्शन के कारण होती है। इसलिए जो भी लोग सेल्स में है या लॉन्ग ड्राइव करते हैं, लंबे समय जॉब में रहकर हेलमेट का यूज करते हैं, उन लोगों को कुछ बातों का पता होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, जब भी आप बाइक ड्राइव करते हैं तो नेक आपको स्ट्रेट रखनी पड़ती है, और स्ट्रेट नेक के चलते जब आप हेलमेट वियर करते हैं तो हेलमेट का भी अपना एक वेट होता है, जो कि आपकी नेक मसल्स को ही बियर करना पड़ता है। कई लोग जो ड्राइव नहीं भी करते हैं, उन्हें भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स आजकल हो रही है। मोबाइल का आप जब यूज करते हो तो नेक का पोस्चर इस तरीके से होने के कारण आपके पोस्टियर नेक मसल्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है, वीकनेस के कारण आपकी बॉडी जो है फॉरवर्ड फ्लेक्शन में चली जाती है। और आपको मैं बता दूं कि हमारी बॉडी में जितने भी फिजिक्स के लॉ होते हैं वो एक्ट करते हैं, जिसमें आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, लाइन ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हर एक ज्वाइंट पे हमारी एक अलग मैकेनिक्स होती है जो अलग अलग एक्सिस प्लेन में मूवमेंट करती है, और हमें हमारी खुद की बॉडी का वेट भी बियर करना पड़ता है इस फोर्स के चलते। तो जब भी आप हेलमेट पहनते हैं तो हेलमेट का वेट भी जो है आपकी नेक मसल्स पे आता है, जिसके कारण जो आपकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम होने वाली है उसमें ये फैक्टर और ज्यादा उसको बढ़ावा देता है, जिसके आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम जल्दी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपको अगर प्रॉब्लम नहीं भी है तो इन बातों का आपको खास ख्याल रखने की जरूरत है। जब भी आप हेलमेट पहनते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते हेलमेट का जो वेट है वो भी आपकी नेक मसल्स में आना स्टार्ट होता है, जिसके कारण आपका सर्वाइकल का पोस्चर और ज्यादा आगे झुकने लगता है, और आपको सर्वाइकल रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसमें सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, सर्वाइकल पेन, सर्वाइकल हम्प जैसी प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई लोगों को सर्वाइकोजेनिक हेडेक भी होता है, सिर दर्द, माइग्रेन जैसी शिकायत भी हो सकती है। इसलिए आप लोगों को इस चीज़ से अवेयर होने की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी की मैकेनिक्स क्या है, कहाँ पर किस तरीके का प्रेशर जनरेट हो रहा है, और उसे रिकवर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम हो या ना हो, आपको अपनी रूटीन के हिसाब से बॉडी में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, जिससे आपको आगे जाके समस्याओं का सामना ना करना पड़े और अपनी प्रॉब्लम्स को होने से आप रोक सकें। इसीलिए आप अपने डेली रूटीन में कुछ एक्सरसाइज को ऐड करें, जिन्हें आप रेगुलर एक्टिविटी में ऐड करते हुए अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं और मसल्स को स्ट्रेंथन रख सकते हैं। और सर्वाइकल रिलेटेड एक्सरसाइज के वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और आई बटन में भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। सर्वाइकल रिलेटेड प्रॉब्लम जिन लोगों को है या नहीं भी है, वो भी अपने डेली रूटीन में इन एक्सरसाइज को ऐड करें। तो आज की जानकारी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें, ताकि मुझे और ज्यादा प्रेरणा मिले आप लोगों के लिए इस तरीके की जानकारी भरे वीडियो लेकर आने की। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।